सब्सक्राइब करें एपी टेक्निकल पॉइंट को, बगल में बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दें। हेलो गाइज एंड वेलकम, आपका फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको बताना है वीवो का V15 Pro का कुछ डिटेल, कुछ क्या बहुत कुछ डिटेल, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा जो अगला वीडियो होगा वो बताऊँगा वीवो के स्मार्ट फीचर्स की और प्रॉब्लम्स की। तो इसमें मैं इसलिए नहीं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखेगा, इस वजह से आपको समझ में आ जाएगा वीवो की सारी इन्फॉर्मेशन, आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिए, चलिए शुरू करते हैं। गाइस तो आज मैं बताने वाला हूँ वीवो का V15 Pro के बारे में। तो आज सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और डिज़ाइन की। तो डिस्प्ले और डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वीवो की तरफ से। और स्क्रीन साइज़ की बात करते हैं तो 6.39 इंचेस का 16.23 इंचेस का आपको मिल जाता है। रेवोल्यूशन टाइप बात करें तो फुल HD+ मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। रेवोल्यूशन पिक्सल की बात करते हैं तो 2340x1080p आपको मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट साइज स्क्रीन पे फिंगरप्रिंट मिल जाता है जो कि बहुत तेज आपका वर्क करता है, पहले से बेटर है, जो कि बहुत तेज वर्क करता है। बैक साइड आपको प्लास्टिक दिया गया है, यही मुझे इसमें अच्छी चीज़ नहीं लगी है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। तो फ्रंट कैमरा डिटेल आपको इस वीडियो में मैं पूरी बताऊंगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो अब तक आती रहती है। कैमरा आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का विथ स्क्रीन फ्लैश, इसमें आपको सामने से फ्लैश नहीं मिलता है। और AI ब्यूटी मोड भी मिल जाता है, HDR फीचर भी मिल जाता है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी। बात करते हैं बैक कैमरा की या फिर पीछे कैमरा की। तो पीछे आपको ट्रिपल सेट मिल जाता है जो कि 48 मेगापिक्सल + 8 मेगापिक्सल + 5 मेगापिक्सल विथ डुअल फ्लैश, इसमें आपको बैक साइड डुअल फ्लैश मिल जाता है। और डुअल कैमरा लेंसेज भी आपको मिलता है, ये काफ़ी अच्छी बात है, वीवो ने डुअल कैमरा लेंसेज भी दिया है, इसमें आपको दो कैमरे में लेंस मिल जाते हैं। बात करते हैं प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन की। तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 675 विथ AI, और ये मोबाइल बेस्ड ऑन है 9.0 के ऊपर, ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि ये जो अभी हाल ही में निकला है उस पर बेस्ड है। रैम की बात करते हैं तो 6GB RAM और 128GB की रोम मिलता है, जो कि भरते जाइए तब भी आपका फुल नहीं होगा, फुल तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही है। तो वीडियो अच्छी आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अगली वीडियो बताऊंगा प्रॉब्लम और फीचर के बारे में। तो जय हिंद जय भारत।